नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़े लंबे समय बाद एक स्टॉक जो मैं आप सभी के साथ बहुत लंबे समय से शेयर कर रहा हूं, रिकमेंड कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, स्टॉक का नाम है डीवीज लैब। दोस्तों, इस कंपनी के रिजल्ट्स आने थे, रिजल्ट्स आ चुके हैं और क्या नंबर पेश करे हैं, मजा आ गया मतलब देखकर। एक्चुअली में बाजार की एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी हाई थी, अब एक्सपेक्टेशंस कितनी आई थी वो डेटा मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन लिटरली नंबर्स बहुत ही दमदार आए हैं। कंपनी ने काफी लंबे समय बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस शो करी है। अब इन रिजल्ट्स के दम पर क्या स्टॉक में तेजी आएगी, देखो इसका जवाब तो है, भाई साहब मैं तो इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म से बुलिश पड़ा हूं। 3000 रुपए के भाव से आप सभी के साथ वन साइडेड बैठा रहा कि लेके बैठो, 5000 रुपए का लक्ष्य आपके साथ डिस्कस किया था। 2 साल ऑलमोस्ट होने वाली हैं, 1.5 से 2 साल होने वाली हैं, शेयर 4100 पे आ चुका है। अभी एक नेगेटिव न्यूज भी चल रही है इस स्टॉक के लिए, जो फैक्ट है, न्यूज नहीं है, एक्चुअल है कि भाई सेंसेक्स से बाहर होने जा रही है ये कंपनी और इसके बदले दूसरी कंपनी एंटर करने वाली है, तो ये एक चिंता का विषय जरूर है इस कंपनी के लिए। अब भाई लेट्स सी कि वो कितना नेगेटिव आता है, जिसके चलते मैंने ये भी कहा था कि आप चाहो तो पार्शियल बुक करो, बट पार्शियल होल्ड जरूर करना, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बुलिश हूं, आधा चाहो तो बुक कर सकते हो। अब इस कंपनी के रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, उसके बाद इन सारी चीजों पे आऊंगा। पहले तो कंपनी ने अपने शेयर धारकों को डिविडेंड प्लस रिजल्ट्स दोनों पेश करे हैं, और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, डिविडेंड भी अच्छा है। तो पहले आता हूं मैं रिजल्ट्स पे। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की, टोटल इनकम की, तो 1900 करोड़ से बढ़कर 2338 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पेश करा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 1974 करोड़ से बढ़कर 2338 करोड़ का रेवेन्यू है। तो चाहे साल दर साल हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, दोनों जगह जंप देखने को मिली है आप सभी को। बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, यानी टैक्स से पहले के प्रॉफिट की बात करें, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 490 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ पे आ गया है, तो दमदार उछाल है। अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो 468 करोड़ के सामने 700 करोड़ है, तो बहुत ही शानदार लग रहे हैं मेरे को ये हर एक पैमाने पे। प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट अगर देखूं मैं, तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने पेश कराया वो 358 करोड़ से बढ़कर 531 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक करोगे तो 319 करोड़ से बढ़कर 531 करोड़ का है, तो हर एक पैमाने पे दमदार नंबर है। अगर आपको ये सारी चीजें समझने में थोड़ी भी दिक्कत होती है ना, तो आप सिर्फ एक ही चीज देख लिया करो शॉर्ट में, वो होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी कमाई है कंपनी की, पता चल जाएगा आपको डायरेक्टली कि कितना परसेंट में प्रॉफिट ग्रो कर रहा है कंपनी का साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर, क्योंकि अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, अब कितना बढ़ रहा है ये देखना है। अब मैं बात करूं कि इस बार अर्निंग पर शेयर कितना आया, तो 19.99 रुपीज का हो चुका है टोटल, यानी राउंड फिगर में कर लें तो 20 रुपए हो गया है, और ये लास्ट क्वार्टर 13.5 रुपए था, तो 13.5 रुपए से बढ़कर 20 रुपए का अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट 70% का जंप है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोड़ के ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 12 रुपए का अर्निंग पर शेयर 20 रुपए का हो गया, ये तो ऑलमोस्ट डबल कह सकते हो आप, 80% के करीब का जंप हो गया है, तो बहुत ही दमदार नंबर लग रहे हैं मेरे को हर एक पैमाने से कंपनी के। अब मैं आपके साथ पूरे फाइनेंशियल ईयर का कंपैरिजन भी कर देता हूं। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो FY23 में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो आपका था वो था 1800 करोड़ का, और FY24 में 1576 करोड़ का, तो जंप जरूर आया, लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अभी भी कंपनी का मुनाफा लास्ट फाइनेंशियल ईयर से थोड़ा सा कम रह गया है। मैं आपके साथ डायरेक्टली, जैसा कि मैंने कहा अर्निंग पर शेयर के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं, तो 68 रुपीज का अर्निंग पर शेयर FY23 में था और FY24 में आपका 59.37 है, बट अच्छी बात यह है कि यहां से वापस से चलना शुरू हो रहा है स्टॉक। अब अगर आपको लग रहा है यार पूरे वित्त वर्ष में तो स्टॉक ने कम ही परफॉर्मेंस दी है तो गिर ना जाए, तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा इस कंपनी का जो हाई है वो 6000 रुपए का है और जो अभी ट्रेड कर रहा है वो 4100, तो ऊपर से तो अभी भी काफी सस्ता है, ठीक है जी, तो फिर ठीक है, एडजस्टेड है सब कुछ, मेरे को लगता है स्टॉक में यहाँ से पॉजिटिविटी ही शो करना चाहिए। आगे कंपनी ने अपने शेयर धारकों को डिविडेंड भी दिया है, तो मैं डिविडेंड बता देता हूँ आपको कि कितना कंपनी ने दिया है। रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹30 पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू टू ईच, 30 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स एट द इंशुइंग 34th annual general meeting, the dividend shall be paid within a specified timeline from the conclusion of the AGM. तो AGM में approval वगैरह भी रह गया है सारे members का, जैसे ही approval आ जाएगा आपके लिए एक timeline आती है, उस timeline में
डिविडेंड पहुंचना शुरू होगा इन्वेस्टर्स के पास। तो अभी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कुछ भी नहीं है क्योंकि कंपनी ने अभी सारे अप्रूवल लेने हैं, तो जैसे ही अप्रूवल वगैरह आ जाएंगे फिर सारी चीज़ें आपके साथ डिविडेंड की आ जाएंगी। बाकी डिविडेंड कंपनी ने अच्छा पेश करा है इस बार, 30 रुपये प्रति शेयर का अनाउंस करा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी डीवीज लैब पे, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।